9 करोड़ 21 लाख की डामलीकृत सड़क का देवरी विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने किया भूमि पूजन। देवरी सागर मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा के क्षेत्र के करीब 14 ग्रामों को जोड़ने वाली सड़क ब्लॉक के मुख्य सड़क, जिसकी मांग क्षेत्र के लोगों द्वारा कई दशकों से की जा रही थी, जिस मांग को क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री हर्ष यादव द्वारा ध्यान में रखकर विशेष रूप से सरकार से करीब 8 किलोमीटर लंबी करीब 9 करोड़ 21 लाख 30 हजार की डामलीकृत सड़क स्वीकृत कराई गई, जिसके निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। सड़क स्वीकृत होने पर 14 ग्रामों के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। वह विधायक जी को सभी ने धन्यवाद दिया, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए भूमि पूजन दिन रविवार को मेंढकी ग्राम में क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव द्वारा किया गया। विधायक द्वारा कहा गया कि सड़क निर्माण का कार्य गुणवत्ता के साथ किया जाए। 15 वर्ष के कार्य 15 महीने के कार्यकाल में एक व्यवस्था में सुधार हुआ था और एक भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का भी हमने संकल्प लिया था। बहुत सारे काम मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा हमारे विधानसभा में शुरू किए गए थे। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो नन्हे देव का हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो, चाहे खमरिया के हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो, चाहे सोलर प्लांट की बात हो, ये सब काम निश्चित रूप से होकर रहेंगे। सरकार तो फिर बनने वाली, जैसा कि मां साहब ने कहा कि सुर्खी विधानसभा चुनाव के साथ साथ 24 विधानसभा के चुनाव जनता तैयार बैठी है इस भारतीय जनता पार्टी की बहुरंगी सरकार को हटाने के लिए। एक बार बना कमला जी की सरकार बनते साथ एक विकास की जो हमारी शुरुआत है दोनों विधानसभा की वो शुरू होगी। वो मैंने चाहा भी है, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और ऐसे गांव का व्यक्ति हूँ जहां पर बरसात में आने जाने में रोड ना होने की वजह से पैदल आना जाना पड़ता था, कीचड़ में आना जाना पड़ता था, समय भी खराब होता था। वो बच्चे जिनके पास साधन नहीं हुआ हो पाते थे वो पढ़ाई से भी वंचित होते थे, वो पीड़ा इस क्षेत्र के बच्चों की भी थी। आप लोगों के आशीर्वाद से 15 वर्ष का कुशासन दंड हुआ, 15 वर्ष का भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और एक ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ी हुई सरकार थी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार थी, किसानों की आवाज से बनी हुई सरकार थी, युवाओं के आशीर्वाद से उनकी शुभकामनाओं से बनी हुई सरकार थी। वो वृद्ध माता बहने, वो विकलांग साथी जो कहीं ना कहीं परेशान होते थे कि हमें 300 रुपये में हमारा जीवन यापन नहीं होता है, उनकी शुभकामना आशीर्वाद से सरकार बनी थी, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी।